तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना हो आसान, जान ओ मेरी जान। दोस्तों, जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो सबसे पहले अजय देवगन की स्टारर फिल्म जान याद आ जाती है, जिसमें अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की लव केमिस्ट्री और इस फिल्म के गाने ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा दिया था, जिसके चलते इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज बढ़ गया था और इसी वजह से दर्शक इस फिल्म के सेकंड पार्ट की मांग करने लगे थे। और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक घई एक बार फिर से जान 2 मूवी का ट्रेलर लेकर आने वाले हैं, यानी कि हमें जल्द ही जान 2 मूवी मिलने वाली है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जान 2 मूवी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी जान 2 मूवी से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस हिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1994 की फिल्म जान में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी एक साथ देखने को मिली थी, जिसमें अजय देवगन करण की भूमिका में थे और ट्विंकल खन्ना काजल की भूमिका में थी और सेकंड लीड एक्टर के तौर पर विवेक मिश्रा नजर आए थे और इन सब के बीच दरार पैदा करने वाले विलेन के किरदार में थे सुरेश ओबेरॉय। इसी तरह फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है काजल के दादा बने अमरीश पुरी से, जो कि एक इंस्पेक्टर हैं और अपनी पोती के साथ शहर में रहते हैं, लेकिन अमरीश पुरी का चचेरा भाई यानी कि सुरेश ओबेरॉय अपने साले शक्ति कपूर के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई अमरीश पुरी को बर्बाद करने की योजना बनाता है और इसी के चलते वो उनकी पोती काजल को मारने की योजना बनाता है ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। और इसी काम को पूरा करने के लिए वो करण यानी कि अजय देवगन को काम पर रखता है, क्योंकि वो पहले से ही काफी बेबस है और उसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार है, जिसका इलाज करवाने के लिए वो पैसों के चक्कर में सुरेश ओबेरॉय के साथ हाथ मिला लेता है और काजल के दादा अमरीश पुरी का दिल जीतने के लिए वो काजल का झूठा अपहरण करता है और उसे बचाकर वो काजल के दादा का दिल जीत लेता है। और इसी तरह वो करण को अपनी पोती का अंगरक्षक बना देते हैं और उसे गांव भेज देते हैं, जहां काजल करण से प्रेम कर बैठती है और करण उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर देता है और उसे मारने का प्लान बनाता है और बार बार हिचकिचाता है, जिसके चलते हार मानकर वो काजल के सामने सारी सच्चाई रखने के बारे में सोचता है और बाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इस तरह फिल्म की कहानी खत्म होती है। बस यही थी फिल्म की कहानी, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई थी और यह फिल्म एक हिट फिल्म बन गई थी। वर्तमान में इस फिल्म को पूरे 26 साल हो गए हैं और खबरों के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक भाई जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल लाने वाले हैं, यानी कि जान 2। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है और फिल्म पहले की तरह ही लव केमिस्ट्री, इमोशनल ड्रामा और एक्शन से भरपूर होने वाली है, जिसे पहले से काफी बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा। बात करें इसके स्टार कास्ट की तो खबरें आ रही हैं कि फिल्म में पहले की तरह ही लीड रोल में अजय देवगन होंगे, पर इस बार ट्विंकल खन्ना को रिप्लेस किया गया है और खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट हो रहा है, जो इनकी प्रेमिका के रूप में नजर आएंगी। और फिल्म की कहानी को और भी चटपटा बनाने के लिए इस बार विलेन के तौर पर सुरेश ओबेरॉय की जगह राज बब्बर का नाम सजेस्ट किया गया है, पर अभी इनमें से किसी ने भी फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी है। फिलहाल तो इसकी कहानी पर काम चल रहा है और स्टार कास्ट ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, पर अभी से दर्शकों के मन में जान 2 के सीक्वल के लिए काफी एक्साइटमेंट जाग गई है। लेकिन दोस्तों, लगता है अभी आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी जान फिल्म में कमाल कर पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।